We received a letter from Shanti Bhushan ji dated 6th of June, in which he has raised several issues. And we believe that most of the issues that he has raised are entirely extraneous to the proceedings before the Joint Drafting Committee. उन्होंने कई बातें कही हैं, उन्होंने जो इंसिडेंट रामलीला में हुआ उस पर भी टिप्पणी करी है, उसका क्या लेना देना है ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी से। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप हमारे साथ पब्लिक डिबेट कीजिए। अब हम जो ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी है that has been constituted to finalize a draft by the 30th of June. We are committed to finalizing that draft. और बात हो रही है कि आप हमें अपने मुद्दों पे जवाब दीजिए, फिर हम पब्लिक डिबेट करेंगे। जब आप बताएंगे, जहां आप बताएंगे हम वहां डिबेट करने को तैयार हैं। और एक दूसरी तरफ कह रहे हैं कि टाइम इज रनिंग आउट। और हमें अपनी व्यूज पब्लिक करनी चाहिए। अभी हमारा मैंडेट क्या है? जब नोटिफिकेशन इश्यू हुई थी तो मैंडेट यही था कि आप ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी हैं, जो भी मुद्दे हैं लोकपाल बिल के उनको आप सुलझा के एक अच्छा ड्राफ्ट बना के दीजिए। दिस अप्रोच के चिट्ठियां लिख के ऐसे इश्यूज रेज करने जिसमें जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उस सीरियस काम के लिए तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। असलियत तो यह है कि वी हैव ऑलवेज कोऑपरेटेड विद द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय विद अन्ना हजारे जी एंड द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय। उन्होंने जो नॉमिनीज के नाम दिए हमने उनको बिल में लगा, उनको ड्राफ्टिंग कमेटी में नॉमिनेट कर दिया। हमने कभी किसी को क्वेश्चन नहीं किया। जो उन्होंने प्रावधान हमारे सामने रखे बिल के बारे में भी वैसे ही हम चल रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे मीटिंग खत्म होती है तो आई ऑलवेज कम आउट एंड ब्रीफ वेरी सक्सिंक्टली एज टू व्हाट हैज हैपेंड इन द मीटिंग। आई डोंट मेक एनी अदर स्टेटमेंट्स। When there were issues raised in the public about two members of the committee, our chairman said, we are not concerned with these issues. We will continue to draft the bill. और उधर क्या बयानबाजी होती है? अन्ना हजारे जी कहते हैं कि हम धोखाधड़ी कर रहे हैं। I mean the kind of names that we've been called, cheats, lies, conspirators, धोखाधड़ी। जबकि हमने कभी कुछ नहीं कहा। और जो अन्ना हजारे जी डिस्कोर्स कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो सिविल सोसाइटी का डिस्कोर्स नहीं है, क्योंकि हमने भी बड़ी सिविल सोसाइटी से वार्तालाप किया, बातचीत की है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। We reject in the strongest possible terms these kind of allegations made by Anna Hazare ji that the government is telling lies, the government they are conspirators, the government is are cheats. This is just not acceptable, and we'd hope that in the future this kind of language and this kind of discourse will not be conducted outside in the public arena. अब इसका मतलब तो ये नहीं कि अगर
हम जो 5 मंत्री है वहां बैठे हुए हैं, अगर हम अन्ना हजारे जी की बात नहीं माने तो हमारी मंशा ठीक नहीं है, फिर हमारी जरूरत क्या है? फिर तो जो वो कहें हमें मानना चाहिए, अगर हम नहीं माने तो हमारी मंशा ठीक नहीं है, अगर मान गए तो उनका काम हो गया। अगर इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी बैठनी थी तो उसका फायदा क्या है? NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. NDTV.com/apps.